की महिला को 12 वर्ष छोटे युवक से प्यार, लिव इन रिलेशन में रहने लगे। तीसरे प्रेमी की एंट्री होते ही दूसरे की हत्या। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार। रीवा पुलिस ने 3 दिन पहले हुई अंधी हत्या का पर्दाफाश कर दिया। SP नवनीत वजीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए कहा कि सतना जिले के महर की महिला को 12 वर्ष छोटे प्रेमी से प्यार हो गया। ऐसे में वह पति सहित 12 वर्षीय बेटा और 10 वर्षीय बेटी को छोड़ अपने प्रेमी के साथ अमरपाटन में किराए का मकान लेकर रहने लगी। वहाँ कई माह दोनों साथ में रहे। इसी बीच तीसरे प्रेमी की एंट्री हो गई। इस बात की खबर दूसरे प्रेमी को हो गई। उसने विरोध किया, साथ ही कहा कि तुम्हारे हरकतों की शिकायत पत्नी और माँ से कर दूंगा। इस बात को तीसरे प्रेमी ने धमकी समझ ली। उसने सोचा कि हमारे प्यार के बारे में घर वालों को पता चल जाएगा, ऐसे में क्यों ना दूसरे प्रेमी को ही खत्म कर दिया जाए। पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगरहा बाईपास स्थित बिहार नदी के पुल के पास एक अज्ञात लाश मिली। मृतक के जेब में एक पेन ड्राइव मिली जिसमे 4 अलग अलग शादियों के एल्बम थे। फोटोग्राफ में एक मोबाइल नंबर मिला। फोन पर पूछताछ की तब मृतक की शिनाख्त रोहित साहू 22 वर्ष निवासी मेहर के रूप में की गई। इसके बाद लाश का PM कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। शराब पिलाकर बाइक से लाया रीवा, सोच के बहाने नदी में हत्या। तीसरे प्रेमी विष्णु साहू ने हीरालाल बर्मन के साथ हत्या का योजना बनाई। इसके बाद तीनों ने बैठकर शराब पी, फिर बाइक में बैठकर रीवा आ गए। यहाँ विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगरहा बाईपास के पास रुक गए। सामने बिहार नदी के पुल के पास सोच के बहाने से तीनों नदी के झाड़ियों में गए। पीछे से विष्णु ने रोहित के सिर में बियर की बोतल से हमला कर दिया। फिर हत्या का सच छुपाने के लिए पत्थर से मुंह और सिर को कुचल गया। बने रहे तो खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।